दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो मोबाइल में जो डेटा है वो सिक्योर रहे, आप जो भी कहीं किसी से आप चैटिंग करते हैं, या आपके मोबाइल में जो प्राइवेट प्राइवेट पिक्चर्स होती हैं या कोई वीडियोस होती हैं, आपके व्हाट्सएप में कोई प्राइवेट चैट होती है, आप चाहते हैं कि उसको कोई कोई ना पढ़े, या आपका जो प्राइवेट डेटा है, आपकी जो पिक्चर्स हैं, वो कोई ना देखे, तो उसके लिए आपके लिए हम एक सेटिंग लेकर आए हैं। आपके सैमसंग मोबाइल में वो सेटिंग देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है। ये जो सेटिंग है आपके मोबाइल में, अपनी मोबाइल की अपनी सेटिंग है ये। तो ये सेटिंग कैसे है आपको हम करके दिखाएंगे। और उसमें सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि आपकी जो इसमें मोबाइल में जो गैलरी है, या कोई आपके जो भी कुछ व्हाट्सएप है या गैलरी, इस आपको आपके मेन्यू से ये लॉक नहीं होगी, ये अनलॉक रहेगी। आप जब उस फोल्डर में जाएंगे, उसमें आपकी जो जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी जो मोबाइल में गैलरी है, या जो है कैमरा है, या व्हाट्सएप है, वो एक दूसरी विंडो में बन जाएगा। आप जब उस फोल्डर में जाया करेंगे तो वो एक अलग से आपको जगह जो है वो देखने को मिलेगी। आप उसमें हर चीज़ अपनी अलग से रख सकते हैं और उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा अभी हम उसको पहले करके दिखाते हैं। उससे पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ आप तक बहुत तक पहुँच सकें। तो चलते हैं इस सेटिंग की तरफ। उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है। चले गए सेटिंग में। जाने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी, आपने इसमें जाना है। इसमें क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सिक्योर फोल्डर के नाम से। आप सिक्योर फोल्डर को जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी, वेलकम टू सिक्योर फोल्डर। आपने यहाँ पर सिंपली जो है एग्री कर लेना है। अग्री करने के बाद इसको आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके देखिए ये जो फोल्डर है ये क्रिएट हो रहा है, चंद सेकंड लगते हैं ये क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको आगे हम दिखाएंगे ये कि इसमें आपने सेटिंग किस तरह करनी है। तो ये फोल्डर जो है ये क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपने कोई भी पैटर्न पिन या पासवर्ड रख लेना है। हम लोग से एक पैटर्न रख लेते हैं, जो भी आप पैटर्न है इसमें आप सॉरी आपने पैटर्न क्रिएट कर लिया है। इसके बाद देखें यहाँ पर एक ये फोल्डर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखें गैलरी है, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, माय फाइल, इंटरनेट, कैमरा, सैमसंग नोट्स, ये सब कुछ आपके ये जो है आपके जो मोबाइल में गैलरी होती है वो अपनी जगह पर है। उसके अलावा यहाँ पर एक गैलरी क्रिएट हो गई है। आपकी जो भी कोई सिक्योर आपकी जो पिक्चर्स हैं कोई भी होती है, आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसको आप प्लेस के आइकन को आप क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर जो है ये जितनी भी एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही है, जैसे कि फेसबुक है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। इसी तरीके से इसको डाउन करते हैं, व्हाट्सएप है, इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे जाने के बाद इसको हम ऐड करेंगे तो देखें ये ऐड हो गया यहाँ पर। और ये देखें व्हाट्सएप का भी आइकन आ गया, इसको आप क्लिक करेंगे तो देखें एक आपको एक अलग व्हाट्सएप यहाँ पर बना हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर आप अपने किसी और नंबर से भी यहाँ पर आप अपने व्हाट्सएप को क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी उस नंबर पर जो भी आपकी चैटिंग होगी, जो भी कुछ होगा, वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। और आपके जो अपना व्हाट्सएप है जो आप सिंपली जो यूज़ करते हैं, उसमें कोई भी आपकी चैटिंग वहाँ पर नहीं होगी। और यहाँ पर हम पिक्चर्स को कैसे ऐड करेंगे वो भी आपको हम करके दिखाते हैं। तो आपने जाना है अपनी गैलरी में, आपने देखें गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद देखें ये तो मैं आप कोई भी फोल्डर में जाता हूँ। जाने के बाद एक मेरी पिक्चर यहाँ पर है, इसको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करके ये थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देना है मूव टू सिक्योर फोल्डर। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये फोटो मूविंग हो रही है और देखें मूव हो गई है, यहाँ से ये चली गई सिक्योर फोल्डर में। अब हम जाते हैं अपने सिक्योर फोल्डर की तरफ। तो यहाँ पर देखें सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन ये आ गया, सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन ये आ गया, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी हम गैलरी में जाएंगे। देखें वो जो पिक्चर वहाँ पर थी वो अब सिंपली यहाँ पर ऐड हो गई है। इस तरीके से देखें आप अपनी कोई भी एप्लीकेशन है या कुछ भी है वो यहाँ पर आप इसको मूव कर सकते हैं। और ये एक सिंपली पैटर्न से, उसके बाद जब आपने बैक करना है तो आपने थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने देखें यहाँ पर लिखा हुआ है लॉक एंड एग्जिट, आपने लॉक एंड एग्जिट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप आ जाएंगे अपने मेन्यू की तरफ, फिर आप इसको क्लिक करेंगे। अब ये हमसे मांगेगा पैटर्न, आपने सिंपली अपना पैटर्न देके उसी तरीके से जो आपने पैटर्न डाला होगा, या कोई आपने पासवर्ड डाला है, या आपने फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना है इसको, उस तरह करके तो देखें आप ये आ जाएंगे इस सिक्योर फोल्डर पे। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल में इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो हम इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।